बागमारा के श्यामली मोड़ स्थित यूथ फोर्स प्रधान कार्यालय में जदयू पार्टी और यूथ फोर्स परिवार की ओर से दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने चंद्र प्रकाश चौधरी को दोबारा सांसद चुने जाने पर अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर जदयू पार्टी और यूथ फोर्स परिवार की ओर से अभिनंदन किया। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ श्यामली मोड़ में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का स्वागत किया। जुलूस के साथ समारोह स्थल पर पहुंचे टुंडी और बागमारा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने सांसद को माला पहनाकर बारी बारी से इनका स्वागत किया। आपसे जो हार्दिक अभिनंदन समारोह है, ठीक है, इसमें क्या आपका कहना है? प्रचार के समय में भी जदयू के कार्यालय में आकर सभी लोगों को मैं आश्वस्त किया था कि एनडीए गठबंधन सभी लोग एनडीए की भूमिका में आगे का पालन करेंगे। सभी लोगों ने चुनाव प्रचार भी किया और चुनाव जीते भी, उस समय भी हमने आश्वस्त किया था चुनाव जीतने के बाद फिर से आप लोगों के बीच में हम जरूर आएंगे और आप लोगों के द्वारा जो भी प्रस्ताव आएगा क्षेत्र के विकास के लिए। बागमारा में मुख्य रूप से पानी और बिजली का बहुत समस्या, लोग त्राही माम कर रहे हैं और पिछले चुनाव में लोगों को शिकायत थी आपसे, वो शिकायत इस बार दूर होगा क्या? गर्मी के मौसम में झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है पानी और बिजली का, मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार बिल्कुल लूट खसोट में लगी हुई है और जो जनता का जो सुविधा मुहैया कराना, उस सुविधा को मुहैया कराने में जो पानी बिजली का सुविधा राज्य सरकार जिस प्रकार लापरवाही है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार पूर्ण रूप से दोषी भार है और भारत सरकार की जो योजना है उन सारी योजनाओं को विफल करने में राज्य सरकार निजीतपुर स्टेशन का बहुत बड़ा मांग है, निजीतपुर स्टेशन का बहुत बड़ा मांग है। एक बार आवेदन मिला है निजीतपुर को, इसको कई ट्रेनों का ठहराव का मांग लोगों ने किया है, मैं निश्चित तौर पर लोगों को आश्वस्त करता हूँ आप लोगों का मांग है, इस मांग को हम रेलवे में और मंत्रालय में जरूर रखें। विस्थापित का जो मुद्दा था सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन विस्थापित का समस्या झारखंड में शुरू से रहा, जब से कोयलांचल क्षेत्र रहा, जब से कोयला उत्खनन हुआ, तब से विस्थापितों का समस्या रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सांसद बनने के बाद मैं विस्थापितों की आवाज़ को मैंने संसद भवन में रखा, इसके लिए भी आंदोलन भी किया और आप लोगों ने देखा होगा इसका सफलता हम लोग का मिला, ट्रिब्यूनल का भी गठन हुआ, विस्थापित जो हुए उनका पहचान पत्र के लिए भी हमने आवाज़ उठाया, आज विस्थापितों का कार्ड भी बन रहा है। तो इस तरह से विस्थापितों का हर समस्या का समाधान के लिए हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र इस पर हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन एनडीए का भागीदारी निश्चित तौर पर सभी लोगों को लेकर चल रहा है। हमें आज भी I'm
महासचिव और यूथ फोर्स के प्रधान संजय दीप नारायण।